ये छोटे किसान के लिए बहुत बढ़िया है बड़ा ट्रैक्टर तो कई रुपये का मिलता है उसकी सोच भी ज्यादा ज्यादा जगह में घिरेगा भी इसे छोटा ट्रैक्टर है छोटा ट्रैक्टर ही मान कर इसे देखो ये बहाने भी कितना कर रहा है मेरे हिसाब से छोटे किसान के लिए वो बहुत लाभदायक रहेगा गन्ने खेती गाड़ी में बहुत लाभदायक है गन्ना भी पूरा बिल्कुल जैसी बराबर ऊँचा खड़ा है उसमें जो भी चला कर दो बिल्कुल आदमी नहीं दिखता गन्ना गन्ना बढ़िया करता है है ना दोस्तों नमस्कार आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज मेरे सामने आप ये बैक रोटरी देख रहे हैं बैक रोटरी काफ़ी अच्छी है कई फसलों के अंदर ये काम करती है इसकी टेक्निकली जानकारी हम किसान भाई से लेंगे जो इसे चला रहे हैं आठ सौ जो आपको अहमदगढ़ पंजाब से आपको मिलेगी दोस्तों स्प्रे मैन एक ब्रांड है अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है ये और अहमदगढ़ पंजाब में यह कंपनी है होंडा का इंजन के साथ आपको ये बैक रोटरी मिलती है आपको ये इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हम लेते हैं किस प्रकार से ये काम करती है खुद आपको मैं आज किसान भाई के यहाँ लेकर आया हूँ जो इसे गन्ने में प्रयोग कर रहे हैं और अन्य फसलों में के अंदर भी प्रयोग कर रहे हैं देख पा रहे हैं ये ये हरे चारे का न्यार का खेत है

अच्छा तो आपको गन्ने की खेती के अंदर इसे इस, इस बैक रोटरी की क्या आवश्यकता पड़ गई साहब गन्ने की खेती की वजह से जी जो पशु पालते हैं आपने हाँ तो उससे जुताई पुताई में जो आता एक पीक ज्यादा टूटती रहती है अच्छा अच्छा हाँ, जी जैसे मान के चलो बैलों की ज़रूरत समय के अनुसार कम हो गई है तो उसे आप जो इसे कैसा मानते हैं उसे ऐसा मानते हैं बैल जी तो हर समय खाएगा अच्छा इसे जो है तो जितना तो चलेगा इतना खाएगा अच्छा। चाहे आदमी छः महीने मत देखो कुछ मत करो जी अभी खाएगा ये तो अच्छा बल्बों तो, को जो हर टाइम खोलना चौबीस घंटे चाहिए अच्छा अच्छा हाँ। तो आपको ये बैक रोटरी आपने गन्ना आपके पास कितना है ये बताइए थोड़ा सा गन्ना हमारा पास है दस बारह बीघे दस बारह बीघे गन्ना है आपके पास तो दस बारह बीघे गन्ना जैसे आपने इसमें दस बीघा गन्ना में चलाया है ये तो आप जो निराई गुड़ाई कराते गन्ने की तो लगभग कितना पैसा आप जो है मजदूरों को दे देते लगभग कम से कम मिनिमम

क्या औसत लेता है डीजल से चलता है पेट्रोल से चलता है कितनी जुताई करता है ये ये पेट्रोल से चलता है जी क्या औसत रहता है एक एक लीटर में जैसे एक की जुताई करनी है अच्छा तो उसमें सौ रुपए का औसत आएगा अच्छा अच्छा तो एक बीघा को सही कर देगा बढ़िया कर देगा मतलब सौ बीघे सौ रुपए के तेल के अंदर खेत को बिल्कुल फ्रेश कर देगा जैसे बड़ा ट्रैक्टर करता है एक बीघा अब चौधरी साहब जैसे की आपने कहा की जो है सौ रुपए के अंदर बड़ा कर देगा मतलब बढ़िया कर देगा खेत को सौ रुपए के तेल के अंदर पेट्रोल के अंदर तो अब जैसे मान के चलो आपके पास गन्ना है दस बीघे गन्ना दस बीघे तो आप बड़े गन्ने के अंदर इसे चला सकते हो अब या नहीं बताइए बड़ा गन्ने के अंदर अभी पूरी से अभी चला सकते हैं अब भी चला सकते चला हैं चला तो जैसे हमारा बड़ा ट्रैक्टर होता है कोई सी तो कर, सा, सात लाख का आता है लगभग हाँ। तो वो चलाने के लिए और जब आप बड़ा ट्रैक्टर खेत के अंदर चलाओगे तो आपकी ईख तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो ये बताइए तोड़ेगा अच्छा उसके मुकाबले आपको बड़े ट्रैक्टर के मुकाबले ये आपको बैक रोटरी आपको कैसी लगी है

और अच्छा मतलब जमीन को उपजाऊ बना सकता है अच्छा देगा अब ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने आगे कुछ ये वजन बांध रखा है तो इसमें वजन बांधने का क्या कारण रहा और कंपनी को क्या सुधार करने चाहिए जो आपको इसमें लगे वजन बांधने का यह कारण रहा जैसा ये आप चला रहे हैं हम जी तो पीछे रूटी रूटी रूट रूट भारी होगी जब बैठेगी रूटी हाँ तो आगे सर बोझ ये वजन नहीं होगा तो ये लोड नहीं लेगा लोड नहीं लेगा स्लिम मारेगा अच्छा मारेगा तेल भी ज्यादा खाएगा वाहन भी कम करेगा अच्छा, अच्छा अच्छा आ गए लोड लग गया दब का चलेगा हाँ दब का चले है, तो पीछे रूटरी बैठेगी तो ठीक लोड लेगा बहन भी ज्यादा करे अच्छा, करेगा अच्छा बहन करेगा अच्छा अब मैं बात करता हूँ चौधरी साहब इसके जैसे ब्लेड दिए गए हैं गएटर दिया गया है रूटरी बोल सकते हैं इसे तो इसमें क्या हम जैसे कि अमान हमने 27, 28 ग्रे पे बोल रखी है या हमारी जो है चोरी गन्ने की बुआई करते हैं हम तो क्या उसमें हम इसे कम कमबर्ती कर सकते हैं हाँ इसे कमबरती भी कर सकते हैं जी कितना कर सकते हैं सोच साहब इसे इससे जैसे आप जो है अठारह इंची हो रही है अच्छा अगर उनको बत्तीस की छत्तीस की है तो यहाँ जो है इतनी रोटी इधर लग जाएगी इतनी उधर दूसरी साइड अच्छा, इधर बाहर भी इसे बढ़ा सकते हैं ये एडजस्ट हो जाएगी अच्छा ब्लेड की क्वालिटी बताओ आपको कैसी लगी इसकी जो है ब्लेड की ब्लेड की क्वालिटी भी बढ़िया है अच्छा अच्छा ब्लेड की क्वालिटी बढ़िया है हाँ। तो चो साहब जैसे कि इसके ब्रिक वगैरह देख पा रहा हम ये वाले इधर से क्लच वगैरह तो एक आदमी ऑपरेटर आराम से कर लेता है कैसे बताइए हाँ, एक आदमी आराम से बिल्कुल कर लेता है कोई दिक्कत वाली कोई बात दिक्कत नहीं है नहीं। अच्छा अच्छा और इसकी कोई खूबियाँ जैसे टायर इसमें बड़े बड़े दिए गए हैं इसमें कुछ बताइए खास जो कंपनी को कोई सुधार करना चाहिए इसमें आप क्योंकि आप किसान हो किसान की राय भी कंपनी चाहती है कि किसान राय हमें दें जी कंपनी को सुधार यही है पर दस चार के दस हाँ चार के चार नहीं चढ़ने चाहिए आठ चार के चार चढ़ आठ चार के टायर कौन सी फसल के लिए सही रहेंगे इसका थोड़ा सा बताइए गन्ने के लिए गन्ने के लिए उसके चक्कर कम बनेंगे हाँ जब चक्कर कम बनेंगे तो पंजा कम उठी तो अच्छा होगा अच्छा। अच्छा। गन्ने के लिए तो बहुत बढ़िया है ये चीज ये है नहीं तो जैसे और फसलें जैसे किसान भाई करता है तो उसके लिए ये टायर ये सही रहेंगे या छोटे ही सही रहेंगे ये बता रहे हो छोटे सही रहेंगे बाकी ये तो खाली चोली के लिए सही सही रहेंगे अच्छा चुरोली लगा लेते हैं बाहर रोड पे जाना तेज चलाना है अच्छा

अच्छा मतलब जो है इससे आप जब जो बड़े ट्रैक्टर के काम थे वो आप इससे ही कर देते हो सब आ, इससे कर देते हैं अच्छा आराम से बढ़िया बढ़िया जुताई जुताई करते हो जुताई करते हो हैं अच्छा तो दोस्तों आपको मैं जो है कंपनी का डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिस्प्ले पर आपको इसका जो है नंबर दे दूंगा जो आपको वहां से खरीदना हो और किसान का आपको मैंने रिव्यू दिखाया बढ़िया इसे जो है बैक रोटरी को बढ़िया बता रहे हैं तो सब्सिडी जैसे आपको कुछ बताया होगा की इसमें सब्सिडी वगैरह कुछ मिलती है तो आपको क्या बताया जी सब्सिडी वगैरह बताई जी जब ये खुलेंगे सब्सिडी का जी टोकन हो जाएंगे टोकन अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमारे किसान भाइयों को आप अपना नाम वगैरह बताइए लेना चाहे बता सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर बता दीजिए किसान भाई किसान भाई को इस, आ, इसके अनुभव लेना चाहता तो है कोई घर आना चाहता है अच्छा अच्छा तो किसान भाइयों देखिए किसान भाई ने आपको इस बैक रोटरी के बारे में बता दिया है स्प्रे मैन कंपनी अहमदगढ़ पंजाब में स्थित है और अपने आप में ही दोस्तों एक नाम है बहुत ही शानदार ये कंपनी काम करती है राजसन एग्रो इंजीनियर्स कंपनी का इसका नाम है और स्प्रे मैन इस, इस कंपनी का दोस्तों ब्रांड नेम है आपको दोस्तों मैं नंबर दे दूंगा आप वहां से बुकिंग करा सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ जय हिंद जय जै भारत जय जवान जय किसान धन्यवाद